घर के एकदम नज़दीक और नाच रहा है, नाच रहा है धीरे धीरे। क्या मस्त लग रहा है। बच्चों लोग रेडी हो गए, खाना वाना खा रहे हैं। घर ही पे बज रहे 7, अभी थोड़ी देर में निकलना है। जाओ जाओ तातरी तातरी, कैब वाले से आगे और आज के तातरी चले। आई थिंक बाबू ये अभी जा रहे हैं पापा छोड़ने नीचे। उन लोग आ गया है गाड़ी, हाँ चले गए दौड़े दौड़ दीजिए। A few moments later, guys देखिए मोर, ये देखिए मोर, उसके साथ ही मोरनी है एक। मैं और जूम करता हूँ गाइस, ये देखिए मेरे घर के एकदम नज़दीक, एकदम नज़दीक। उठाओ उठाओ भाई, खोलो पंख, खोलो। जितना बारिश का सीजन रहेगा ना, ये लोग उतना यहाँ पे आके घूमेंगे फिरेंगे, मजे करेंगे। हाँ मोर कम, हाँ मोर कम है, मोर नहीं ज़्यादा है। मोर भी है, मोर बहुत मैंने देखा है खुद, अभी यहाँ पे नहीं है। इस जंगल में ही है सारे, ये जो देख रहे हैं ना गाइस। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माई चैनल। और एक नए ब्लॉग में आप लोगों को स्वागत करते हैं। आज है थर्सडे और बच्चे लोग चले गए स्कूल और वेदर बढ़िया है, बारिश आ सकती है, संभावना है। और सो गाइज अभी आज जाएंगे ऑफिस और देखते हैं आज क्या क्या होता है। कुछ दिनों से इतना काम चल रहा है कि घर पर आके थक जा रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा कुछ कॉन्टेंट बना नहीं पा रहे। देखते हैं, आज भी लगता है काम ही है आज कल। और आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में, देखिए आज क्या क्या करते हैं, ठीक है। और गाइस अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि मेरा नया ब्लॉग आए आप लोग को नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। वो देखिए देखिए पंख चलाया है मोर ने। क्या फैला के खड़े हुए हैं, पंख फैला के खड़े हुए हैं। नाच रहा है, नाच रहा है धीरे धीरे। क्या मस्त लग रहा है। ये वेदर के लिए ऐसा कर रहा है, वेदर अच्छा है ना, गर्मी। क्या साइज है, कितना बड़ा है। गाइस देखिए वेदर कैसा हो गया है, हवा बहुत जबरदस्त दे रही है और चारों तरफ धूल और धूल, धूल और मिट्टी। बारिश नहीं पड़ा तो बारिश हवा से धूल उड़ रही है, बारिश नहीं हो रही है। एक बार मिट्टी भीग जाएगा ना तो फिर ये सब धूल वूल नहीं उड़ेगा। ये देखिए फ्लाइट यहाँ से आ रही है,
वेदर खराब है ना, तो इसके लिए शायद नीचे से उतर लैंडिंग कर रही है। गाइस इसको ये जो धूल उड़ रही है ना हवा से, तो इसको बोलते हैं सैंड स्टॉर्म। जो ये सब साइड में वेस्ट में, जैसे जैसे कि राजस्थान हो गई और गुजरात हो गई, क्योंकि इस साइड में थोड़ा सा ड्राई है ना, तो इसलिए सैंड स्टॉर्म हमेशा ही उड़ता रहता है। गुजरात में थोड़ा कम है, लेकिन राजस्थान में ज़्यादा होते हैं, मतलब वहाँ पे और ज़्यादा रेत होता है, तो रेत हवा से क्या होता है, रेत उड़ता रहता है, तो इसको बोलते हैं। इससे भी भयंकर होता है ये, तो कुछ भी नहीं है, मतलब इससे मतलब कुछ दिखाई नहीं देगा, इतना हवा से रेत उड़ेगा, तो उसको कहेगा सैंड स्टॉर्म। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, बच्चे लोगों को खाना खिला रहा हूँ, बच गया है 9:30, और इसके बाद खाना खिलाने के बाद मैं भी खा लूँगा। और 9:35 हो रही है घड़ी पे, और मेरा वाइफ अभी काम कर रही है, खाना खा रही है, ठीक है। अभी इसके बाद जाके मैं खाना खा लूँगा, फिर जाके सो जाऊँगा। आज के लिए वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल सुबह और एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर, खुदा हाफिज़।